हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एक्सेल फर्टिलाइज़र है और इस फर्टिलाइज़र को मैंने मार्केट से नहीं परचेज किया है, बल्कि इसे मैंने खुद तैयार किया है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारे अंडे के छिलके चाहिए। इन छिलकों को मैंने गर्म पानी से धोया और धोने के बाद से उसे सुखा लिया। गर्म पानी से धोते समय हम इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि जो अंडे का मेम्ब्रेंस है वह ना निकले, क्योंकि अंडे के मेम्ब्रेंस में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो धूप में सुखाने के बाद से हम एक पॉलिथीन लेंगे और उसमें सारे के सारे जो छिलके हैं उसमें रख देंगे और फिर हाथ से धीरे धीरे करके क्रश करेंगे। जितना हो सकता है हम उसे क्रश करेंगे। उसके बाद हम ज़्यादा बारीक करने के लिए हम ईंट या फिर हथौड़ी के माध्यम से उसे और भी बारीक बनाएंगे। बारीक बनाने के बाद से आपको कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अंडे के छिलके बहुत ही आराम से टूट जाते हैं, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने उसे हथौड़ी या फिर ईंट से मारकर जो है इस तरीके से बारीक बनाया है। हालांकि ये बारीक नहीं है, जितना बारीक अगर होगा वो उतना ही है बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मोटा है जैसे कि अभी इस कंडीशन में दिख रहा है, इसे डिकम्पोज होने में थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स, अंडे के छिलके का बहुत सारा फ़ायदा है और इसके जो है उपयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये सॉइल की एसिडिटी को कम करता है। ज़्यादातर प्लांट्स को तो एसिडिक सॉइल तो पसंद करते हैं, लेकिन सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गया तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। तो उस कंडीशन में ये जो अंडे का फर्टिलाइज़र है, ये अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र, वो सॉइल की एसिडिटी को कम करेगा, जिससे प्लांट का की हेल्थ जो है में सुधार होगा। क्योंकि सभी प्लांट के लिए एक निर्धारित पीएच वैल्यू चाहिए, उस पीएच वैल्यू से जो से नीचे भी रहेगा तो ज़्यादा अम्ली हो जाएगा, तो प्लांट्स के लिए नहीं बेहतर है, और पीएच वैल्यू ज़्यादा हाई हो जाएगा तो सॉइल ज़्यादा क्षारी हो जाएगा, जो तो भी जो है प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा कि ये जो है इसके प्रयोग से जड़ें काफ़ी अच्छे से जड़ों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये जो कैल्शियम इसमें पाया जाता है ये जड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके इस्तेमाल से स्नेल और स्लग्स की समस्या से भी निपटा जा सकता है। इसे निपटने के लिए हमें इस तरीके से बहुत बारीक नहीं चाहिए और सॉइल के टॉप लेयर पे इसे बिछा देंगे, तो इसके स्मेल से जो भी स्नेल और स्लग्स है वो नहीं आएंगे। और इसका एक और फ़ायदा है कि टमाटर के पौधे में जब आप देखेंगे कि जब टमाटर निकलता है तो नीचे जो है एक ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आएगा, तो वो ब्लैक स्पॉट किसी फंगस की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो आयरन की डिफिशेंसी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। आयरन नहीं, कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। यानी जब टमाटर के प्लांट में जब कैल्शियम की कमी दिखने लगे तो नीचे साइड में आपको एक ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा, वो टमाटर जो है नीचे से गलना स्टार्ट करेगा, तो समझ जाइए इसमें जो है कैल्शियम की कमी है, और उस कैल्शियम की कमी को इस फर्टिलाइज़र के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अब हम इस फर्टिलाइज़र को यूज करने का तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो है इसको जब पॉटिंग मिक्स बनाइए तो उसमें जो है एक दो चम्मच जो है मिला लीजिए, और जो या फिर ये काम कर सकते हैं कि जो पौधा है तो उसकी मिट्टी में टॉप लेयर पे आप ऐसे डाल दीजिए। डालने के बाद से उसे अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद से आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं, और या फिर अगर कोई नया प्लांट लगाना है तो उसमें सॉइल में थोड़ा सा गड्ढा करके इसमें थोड़ा सा जो है ये मात्रा जो है डाल दीजिए जहाँ पे प्लांट लगाना है, और उसके बाद से प्लांट लगाइए। और एक तरीका ये है कि आप इसका टी बनाइए। टी बनाने के लिए आपको 1 गैलन वाटर चाहिए, तो
एक गैलन का मतलब ये है कि 3.8 लीटर, तो समझ सकते हैं लगभग 4 लीटर जो है आपको पानी चाहिए। इस पानी में आप जो है 2 चम्मच ये एक्सेल फर्टिलाइजर डालेंगे। ये अभी मोटा है तो आप 2.5 चम्मच जो है कम से कम डालिए, बारीक होगा तो 2 चम्मच जो है 1 गैलन के लिए पर्याप्त है। उसके बाद से आपको इस फर्टिलाइजर में न्यूट्रिशन को और ऐड करने के लिए इप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इप्सम सॉल्ट में हाई क्वांटिटी में हाई लेवल में वो एक मैग्नीशियम और फास्फेट जो है होता है, तो मैग्नीशियम और फास्फेट से प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी होती है, तो ये ओवरऑल एक न्यूट्रिशन हो जाएगा प्लांट के लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग 4 लीटर पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच जो है ये एक्सेल फर्टिलाइजर डालेंगे और 1 चम्मच जो है इप्सम सॉल्ट डालेंगे और इसे बॉयल करेंगे। कुछ देर बॉयल करने के बाद से आप इसे ढककर 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान 1-2 दिन होगा उसमें जो अंडे के छिलके का सारा जो न्यूट्रिशन है उस पानी में घुल जाएगा। तो आप इसे छान लीजिए तो जो अंडे के छिलके हैं वो बेकार होंगे, आप उसे फेंक सकते हैं और जो पानी है उसमें के सारे न्यूट्रिशन जो है मिल घुले रहेंगे। तो आप क्या करेंगे कि इसे जो है थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे, लगभग 3-4 गुना पानी मिला लीजिए और डाइल्यूट करने के बाद से आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। आप इस फर्टिलाइजर को महीने में सिर्फ 1 बार ही अप्लाई कीजिएगा। अंडे के छिलके का एक उपयोग ये है कि आप इस अंडे के छिलके में बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक अंडा तोड़िए, थोड़ा सा ऊपर साइड से तोड़िएगा ताकि हमें जो है जो बीज लगाएंगे उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह मिल सके। तो तोड़ने के बाद से आप जो है नीचे साइड में एक होल करेंगे, ड्रेनेज होल, जो कि अगर हम एक्स्ट्रा पानी होगा वो उस रास्ते निकल जाएगा। अब इस अंडे के छिलके में हम पॉटिंग मिक्स डालेंगे। पॉटिंग मिक्स डालने के बाद से हम इसमें बीज लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब बीज जो है इसमें से जब प्लांट निकलने तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2-3 लीव्स निकल जाएगी, तो आपको इसमें से निकाल के किसी दूसरे में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस अंडे के छिलकों को हल्का सा थोड़ा सा तोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर का सॉइल जो है मतलब ये जो इसको रूट हैं वो आसानी से जो है इस अंडे के छिलके से बाहर निकल सकें। अगर इसे नहीं क्रैक करेंगे या फिर तोड़ेंगे तो हो सकता है कि जो इसके रूट हैं वो इसी में ही गोल गोल घूमने लगें। तो अंडे के छिलके को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे जो है जो न्यूट्रिशन है जो प्लांट को वो धीरे धीरे जो है मिलते रहेंगे इस अंडे के छिलके से। तो आप इसे हल्का सा क्रैक करके और डायरेक्टली जो है मिट्टी में लगा लीजिएगा, या फिर अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो 5-6 इंच का गमला यूज कर लीजिएगा और उसमें जो है डायरेक्टली अंडे से जो है उस मिट्टी में लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें अंडे के छिलके का बहुत ज़्यादा उपयोग मिल जाता है। अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जो प्लांट की सेल वॉल को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल है। इसके अलावा इसमें अन्य मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि जो है बहुत सारे जो है मिनरल्स मिल जाएंगे जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। इस एक्सेल फर्टिलाइजर को हम सभी प्लांट में नहीं दे सकते हैं। जो प्लांट ज़्यादा एसिडिक सॉइल को पसंद करेगा उस प्लांट में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो आप उसी में दीजिए जिसमें कि अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाए तभी आप दे सकते हैं, या फिर आप प्लांट में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नज़र आए तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ओवरऑल इस फर्टिलाइजर का यूज और इसे किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए फर्टिलाइजर के साथ या फिर किसी नए प्लांट के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।